good? Even as busy. Throw past the winter. तार बिजली पोल बाकी चीज सारी अरे भैया आप रोड पर खुद हैं, आप देख रहे हैं कि कितना मतलब 1947 के बाद पहली बार यहाँ पांपोर में रोड मैग्नमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पांपोर टाउन को हर वक्त पीडीपी और नेशनल कांग्रेस ने इग्नोर किया है। यहाँ जोर मीर साहब तीन बार एमएलए रहा है, एक बार मिनिस्टर रहा है, और उसे पांपोर को इग्नोर किया है, क्योंकि पांपोर के लोग उसको वोट नहीं डालते थे, वही कारण था। ये बात सही है, और इसलिए ये पांपोर के लोग हैं, आप इसको पूछ सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं आप भैया। बहुत डेवलपमेंट होगी, ये डेवलपमेंट की सरकार है, ये सबका साथ सबका विकास, और आज हम सबका विश्वास लेकर यहाँ से जा रहे हैं, और हर गोली हर कोचे में मैग्नमाइजेशन होगा, टाइल लगेगा, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक होगा, बिजली पोल होंगे, खंभे को तार होंगे। ये आप एज चेयरमैन पांपोर की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ लोगों को। असला है, आप मेरे फोन नंबर ले लो, मेरे ऑफिस में आओ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप आने वाले एक दो महीने में बहुत काम करेंगे। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाया हूँ मैं, और इंशाल्लाह रहमान ये सिर्फ ये हमारी सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप मैंने पहले कहा ना कि पांपोर टाउन को इग्नोर किया गया, ये सियासी शिकार हुआ है। आज हमारे मसूरी साहब एमपी है, कहाँ गायब है इस महामारी में, इस पेंडिक में। आज एमपी साहब की जरूरत थी लोगों को, आज यहाँ मैं खड़ा हूँ पार्टी बीजेपी की तरफ से, आज मैं खड़ा हूँ चेयरमैन पांपोर म्यूनसिपलिटी की तरफ से। मैं रोड मैग्नमाइजेशन कर रहा हूँ, मैं ड्रेनेज बना रहा हूँ, मैं टाइल्स लगा रहा हूँ, मैं बिजली खंभा देख रहा हूँ। अरे भैया आप देख रहे हैं, लोगों से पूछो ना, मेरे सामने जो पापोर के लोग हैं इनको किसी ने आज तक पूछा नहीं है, आप पूछ सकते हैं इनसे, आपके सामने इनको इग्नोर किया गया है। सर बहुत ज़्यादा चैलेंज था, लेकिन मेरे पास पैसा अवेलेबल है, मैंने 3000 लाइटर्स के लिए अप्रूवल दिया है, 1,39,00,000 रुपये मैंने टाइल्स और ड्रेनेज के लिए सेंक्शन किया है, 1,08,00,000 रुपया मैगडम के लिए दिया सेंक्शन हुआ है, और पार्क्स के लिए मैंने 50,00,000 रुपया कल उसका अप्रूवल दिया है, और भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और स्लॉटर हाउस के लिए 1,66,00,000 रुपया, और मैरिज हॉल के लिए 4,37,00,000 रुपया, शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए 7,12,00,000 रुपया, क्लॉक टावर बनेगा घंटाघर, आप लाल चौक का जो है वो आपको कदलेबल में बनेगा। भैया बहुत पैसा लाया मैंने पांपोर टाउन के, पांपोर टाउन के लिए बस मैसेज यही है, जो ये चोर चकारे थे जिन्होंने 70 साल से हमें लूटा, इनसे बाज इनको अपने सामने आने मत दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ हूँ। ये सही बात सही है, वो पीढ़ी पे सारा पैसा खाता था खुद,
जोर मेरे घर में लेता था, अपने रिश्तेदारों को देता था। बिल्कुल मलिक याकूब ने कितना काम, बहुत काम किया, हर जगह में पापोर में टैल लगाया, मैगडम डाला, लाइटो लगाया, कभी हमने जोर मेरे को देखा भी नहीं, कभी नहीं, तीन बार आता था, कभी दिखाई नहीं देता था। रिश्तेदारों के लिए, वो रिश्तेदारों के लिए पैसा देता था हर किसी को, टाउन में ठेका निकलता था, अपने रिश्तेदारों को देता था, किसी गरीब आदमी को उसने देखा पद तक नहीं। 12-13 साल के बाद हो गया। तो कितना काम किया एज अ सीनियर बीच पर? नहीं, एक्चुअली सर, वो जो मिनिस्टर यहाँ पे थे उन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब आ गया हमारे पास ये चेयरमैन आ गया कि इन्होंने काम किया है, इन्होंने हमारे लिए काम किया। बात करें अगर आप अच्छी तरह से बात सुनती है, कितना काम हुआ? एक्चुअली पहले ही रोड हो गया, अब इसके बाद ड्रेनेज हो गए और वो जो पोलों पर लाइटें लगी वो लगा लेंगे, ये हमारा काम कर रहा है।